हेलो भाई। तो ये देखिए सोनी लैक्स का ब्लूटूथ स्पीकर है। मॉडल नंबर इसका है SL BS1004। ठीक है, प्रॉब्लम तो चार्जिंग जैक की है। देखो कैसे कैसे कस्टमर है या दुकानदार है मुझे ये तो पता नहीं है भाई, जिसने ये काटा पीटी करी है देखना, क्योंकि बहुत बार पता नहीं होता ये खुलेगा कैसे। ये देखो ट्राई भी कर रखा है, यहाँ से देखना ट्राई कर रखा है। तो ये हम खोलेंगे और इसका चार्जिंग की प्रॉब्लम, चार्जिंग की जो समस्या है उसे जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या दिक्कत आ रही है। बहुत बार इनका उखड़ जाता है दोस्तों, पर ऐसे काटा पीटी चार्जिंग नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। पहले हमें क्या करना है, ये खुलेगा कहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं, ठीक है, पता नहीं होता, ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बस बहुत ही इजीली ये हमारा खुल गया है, पता नहीं होता है तो इसलिए खुलने में प्रॉब्लम आती है। अब इसके चार नट हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसकी बैटरी रही, ये इसका स्पीकर रहा और ये इसका जो है प्लेट रही। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। हमें एलईडी का देखो यहाँ पे लिख रहा है एलईडी, तो एलईडी का ये है और इसमें जो है स्पीकर के तार तो कनेक्ट हैं और बैटरी के भी कनेक्ट हैं। इसकी बैटरी है दोस्तों, बैटरी तो काफ़ी हल्की है इसमें, तो काफ़ी हल्की बैटरी है ये तो। अब इसका जैक की क्या दुर्दशा है यह मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप भी क्या होगे। ये पीछे से उखड़ा पड़ा है दोस्तों, आप चाहो तो रीसोल्ड कर सकते हो इसे और इसके प्लस माइनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका प्लस का पॉइंट उखड़ जाए तो आपको करना क्या है, देखो ये वाला पिन जो है स्क्रैच कर लेना, यहाँ पे आप जंपर मार लेना स्क्रैच करके ये वाली पिन पे। ठीक है, स्क्रैच करके जंपर कर लेना। और दूसरा तरीका ये है इसका, यहाँ पे हमें जंपर करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे करना है।
तो दोस्तों इसका जम्पर एक तो यहाँ पे है इस डायोड पे, 5 पिन के डायोड पे, यहाँ पे हम जम्पर कर लेंगे तो भी हमारा जो है, अगर आप यहाँ पर ट्रैक जो है स्क्रैच करके नहीं कर सकते तो आपको यहाँ जम्पर कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, ये देखिए यहाँ पे जम्पर कर देना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जैक तो आप हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी को रीसोल्ड करके फिट कर दूंगा। ये रीसोल्ड होके एकदम फिट हो जाएगा अच्छे से, एक बार ठीक से रीसोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो गई है, चार्ज होने लगा है। हमें जो है बस पीछे से रीसोल्ड करना पड़ा, और इस साइड से भी रीसोल्ड कर लिया है और पीछे की साइड से भी रीसोल्ड कर लिया अच्छे से ठीक से। तो हमारी प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो गई है, पर ये उखड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक से आप अगर आप खुद कस्टम मतलब कि खुद ही अपना ठीक कर रहे हो और तो फिर पता होना चाहिए, सेफ़ यूज़ करना चाहिए, कस्टमर को बता देना चाहिए कि उखड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए तो उसे भी सेफ जो है इस्तेमाल करेगा कस्टमर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखना, थैंक यू दोस्तों। ये देखिए चार्ज हो रहा है।